राजगढ़ का जंगल इसके अंदर घटे खौफनाक हादसे और अनगिनत मौतों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। आम इंसान तो दूर, फॉरेस्ट ऑफिसर भी वहां जाने से डरते थे। जिसकी भी उस जंगल में ड्यूटी लगने वाली होती थी वो पहले ही नौकरी छोड़ देता था। लेकिन राजवीर ऐसा नहीं था। जब उसकी ड्यूटी राजगढ़ के जंगल में लगी तो वो बेझिझक वहां गया और अपने एक दोस्त मयंक को भी अपने साथ ले गया। आज उसकी चौकी में पहला दिन था और अंधेरा होने ही वाला था। चलिए सर, अब हम चलते हैं, चौकी के बंद होने का टाइम हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो यार, रुकने के लिए अच्छे खासे कमरे हैं, तो इसको बंद करके दूसरी जगह क्यों जाएंगे? सर, यहाँ रात में रुकना अपनी मौत को दावत देना है। एक वन रक्षक होकर ऐसी बुजदिली वाली बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सर, हमें यहाँ किसी जानवर से खतरा नहीं है, यहाँ भूत प्रेतों का चक्कर है, आत्माएं घूमती हैं यहाँ। मैंने यहाँ आने से पहले भी वो बातें सुनी थी, वो सब बस अफवाह है। हम यहीं रुकेंगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर आपका ऑर्डर है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, लेकिन सर अगर मुझे जरा भी खतरा लगा तो मैं उसी टाइम यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर चाहे आप मुझे नौकरी से ही क्यों ना निकलवा दें। राजवीर और करण एक कमरे में ठहर गए और मयंक दूसरे कमरे में ठहर गया। राजवीर को नींद नहीं आ रही थी, उसने वहीं लगी कबर्ड में से एक किताब निकाली और उसको खिड़की के पास बैठकर पढ़ने लगा। खिड़की से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। राजवीर उन पर ध्यान न देते हुए पढ़ने में लगा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसके कानों में घुंघरुओं की छन छन की आवाज आने लगी। अरे करण, तुम्हें ये घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी? लगता है बाहर कोई है। सर, आप इन आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, रात में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। राजवीर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसको नजर आया कि कच्चे रास्ते पर एक लड़की चली जा रही है। बाहर कोई लड़की है, करण चलो जरा देखते हैं कौन है। सर, इस जंगल में इतनी रात में भला कोई लड़की क्या करने आएगी? वो कोई आत्मा वात्मा भी हो सकती है। मैंने कहा ना, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, चलो जल्दी से उठो। करण ना चाहते हुए भी उठकर उसके साथ हो लिया। करण ने राजवीर से कहा कि उसको कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन राजवीर को लगा कि करण डर की वजह से ऐसा कह रहा है और वो बिना रुके उस आवाज का पीछा करता रहा। उसी आवाज का पीछा करते करते अब वो एक जगह पहुंचे। वहां उनको एक ढलान नजर आया और नीचे जाकर वो ढलान एक तालाब पर जाकर खत्म हो रहा था। उसी तालाब के पास राजवीर को फिर से वो लड़की नजर आई। देखो, वो रही। राजवीर ने अचानक से पैर आगे बढ़ा दिया। वहां की मिट्टी काफी गीली थी और वहां झाड़ियां भी थी। उसका पैर जमीन में अटक गया। सर, मैं निकालता हूँ, आप हिलिएगा नहीं। करण ने उसका पैर निकालने की कोशिश की तो वहाँ की चिकनी मिट्टी पर फिर से करण का पैर फिसल गया और वो ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे तालाब की तरफ गिरने लगा। करण! करण लुढ़कता हुआ नीचे तालाब के पास पहुँच गया, लेकिन वहाँ भी काफी पेड़ और झाड़ियाँ थी जिसके कारण राजवीर उसको देख नहीं सकता था। करण को काफी चोटें आई थी, वो खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। इस आदमी को खुद तो खतरे के पास जाने की आदत है, साथ में मुझे भी ले आया। तभी करण को अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने देखा कि अचानक से हवा चलने लगी है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसने डरते हुए अचानक से पीछे पलट कर देखा, एक लड़की नीला लहंगा पहने हुए ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। कौन हो तुम? लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और उसके सर से दुपट्टा हट गया। लड़की का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका खौफनाक चेहरा देखकर करण की धड़कनें मानो रुक सी गई और सांसें अटक कर रह गईं। उसने करण की आंखों में अपने नाखून मार डाले और अगले ही पल उसने करण को फिर से पकड़ा और उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। ये कहकर उसने अपने पंजे से कई बार उसके पेट पर वार किया, फिर जमीन पर बैठकर उसका सारा मांस खाने लगी। इस तरफ राजवीर भी अपने पैर को निकालने में कामयाब हो चुका था।
वो ढलान से धीमे धीमे नीचे उतरने लगा और उसको तालाब की तरफ वही लड़की जाती हुई नजर आई। वो लड़की तालाब में एक कदम रख चुकी थी, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर की उससे नजरें मिली, वो उसकी खूबसूरती और शरीर की बनावट में खोने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और फिर से उससे पूछा, कौन हो तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निहारिका है, यहाँ तालाब पर मरने के इरादे से आई हूँ। देखो, मैं इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, जो भी परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं राजगढ़ में अपनी छोटी बहन सृष्टि के साथ रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन न जाने कहाँ गायब हो गई। ठाकुर साहब के छोटे भाई का उसके साथ मिलना जुलना था। मैं उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँची तो उसने मुझे बुरा भला कहकर भगा दिया। तब से ठाकुर के आदमियों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि मेरी बहन किसी के साथ भाग गई है। उसके बाद गांव वालों ने भी मुझ पे गंदी नजर रखनी शुरू कर दी। अब ऐसे में मैं भला क्या कर सकती हूँ? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी बहन को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। मेरे कहने पर पुलिस कार्यवाही जरूर करेगी, आप ये मरने का इरादा छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर वो चुपचाप उसके साथ चल दी। जब राजवीर चौकी वापस पहुंचा तो मयंक दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। राजवीर के साथ निहारिका को देखकर वो भी उसकी खूबसूरती में खो गया। तू बाहर क्या कर रहा है? कहाँ चला गया था तू? अरे ऑफिसर मैं हूँ तो मैं तुझे क्यों परेशान करता, इसलिए तुझे सोता हुआ छोड़कर चला गया। ये कौन है? फिलहाल अंदर चलते हैं, बाद में बता दूंगा। कहकर वो तीनों अंदर गए। राजवीर ने निहारिका को एक कमरे में ठहरा दिया और फिर मयंक को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत ही अजीब कहानी है इसकी, कहीं ये कोई चुड़ैल? यार अब तू भी शुरू मत हो जाना, अगर ये कोई चुड़ैल होती तो मैं जिंदा तेरे सामने नहीं खड़ा होता। लेकिन ये करण कहाँ है? वो भी अपने कमरे में नहीं है। वो बहुत ही डरा हुआ था, लगता है जैसा उसने कहा वैसा ही किया, भाग गया वो। आई थिंक अब तो सुबह ही आएगा। चल ठीक है, अब दोनों सो लेते हैं और मेरे बाप अब मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। वो दोनों एक ही कमरे में जाकर सो गए। कुछ देर बाद उनको कई कुत्तों के एक साथ रोने की आवाज आने लगी। अरे यार अब इन कुत्तों की भी नानी अभी ही मरनी थी क्या? मैं जाकर देखता हूँ। रुक मैं भी आता हूँ। और दोनों रूम से बाहर निकले। उसकी नजर निहारिका के कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा खुला हुआ था और वो उसमें मौजूद नहीं थी। दोनों बाहर निकले और वहाँ एक अजीब सी बदबू आ रही है। दोनों ने पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ जमीन पर एक लाश कई चीथड़ों में पड़ी हुई थी। उसके कपड़ों से पता चल रहा था कि वो लाश करण की है। करण की लाश यहाँ पड़ी है इतनी बुरी हालत में, और निहारिका यहाँ से गायब है, कहीं निहारिका सच में? तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और उसके दिल की धड़कनें रुक गई। करण को मारने वाली भूतनी कौन थी? निहारिका की सच्चाई क्या है? और जिस इंसान ने अभी राजवीर के कंधे पर हाथ रखा है वो कौन है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही।